बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ने अपने सामाजिक सेवा उत्तरदायित्व को पूरा करने की दिशा में आम आदमी के साथ गरीब और असहाय के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। भारतीय स्टेट बैंक इस दिशा में सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है। कोरोना के 2 साल में जहां अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो वहीं विकास दर घटी है, लेकिन इसके बावजूद अपने सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है। इसी क्रम में SBI की यूनिवर्सिटी शाखा के द्वारा दिव्यांगता को प्राप्त बच्चों के लिए कार्य किया गया। गरीबनाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान के दिव्यांग बच्चों के बीच में न सिर्फ पठन पाठन की सामग्री वितरित की गई, बल्कि उनके आगे की बेहतरी के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी संस्थान को दी गई। इस दौरान संस्था की ओर सदस्यों को फिजियोथेरेपी की सामग्री SBI के द्वारा डोनेट की गई। इसके लिए चीफ जनरल मैनेजर सुरेंद्र राणा ने बताया कि हम भी बैंकिंग के साथ स्टेट बैंक सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जिसके तहत बाबा गरीबनाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान के बच्चों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ ही पठन पाठन सामग्री वितरण की गई है और आगे भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जाएगी। मैं सुरेंद्र राणा, मैं मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल। आज हम यहाँ मुजफ्फरपुर में मैं और महाप्रबंधक श्री मृगांक जैन दोनों आए हैं। कुछ CSR एक्टिविटीज आज हमने यहाँ पे रखी हैं, जिसमें से एक अभी हमने करी जो कि बाबा गरीबनाथ विकलांग संस्थान में जो बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी की मशीन्स की कुछ आवश्यकता थी, जिसकी जानकारी हमें मिली करीब 1-2 महीने पहले। और आज हमें खुशी है कि आज हम जो अपना एक वादा था उनको कि बच्चों को फिजियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता था और उसमें पैसे भी लगते थे, आज उनको हमने वो सारी फिजियोथेरेपी मशीनें उनको अपने संस्थान में उपलब्ध कराई हैं। और हमें इससे उम्मीद है कि बच्चों के जल्दी से इसमें उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आगे भी उनको कोई और भी आवश्यकता होगी तो हम कोशिश करेंगे उसके अलावा भी उनको भी हम उनकी भरपाई कर सकें। इसके